हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर, मोबाइल नंबर 9140481 04, 9935673734, 9363624424। आज हम लोग कोर्नियम माइकुलेटम 200 चक्कर की दवा, प्रधान लक्षण वर्टिगो, रोगी को सिर में चक्कर आता है, विशेषकर सिर घुमाने पर या बगल की ओर देखने अथवा बिस्तर पर करवट लेटने पर चक्कर की शिकायत रहती, रगड़ लगने या कुचलने के फलस्वरूप ग्रंथियां फूल जाती हैं और में कड़ापन आ जाता है। रोगी कैंसर और कंठमाला जैसे रोगों से पीड़ित रहता है और उसकी गांठें बढ़ जाती हैं। रोगी को रुक रुक कर पेशाब उतरता है। रोगी पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्राशय संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहता है। मासिक धर्म के समय रोगिणी के स्तनों में पीड़ा होती है और गिल्टी निकल आती, कड़ापन आ जाता है, ग्लैंड निकल आता है, दर्द बहुत असह्य होता है, स्टोनी हार्ड रहता है, स्राव ही दर्द भी साथ ही दर्द भी अनुभव होता है। बार बार दबाने से गिल्टी बड़ी होने लगती है, उसको छूना नहीं चाहिए। कोर्नियम माइकुलेटम 1000 या 10000 नंबर, रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद देने से बार बार हर हफ्ते, रात में साप्ताहिक खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट बाद फिर 5 बूंद लेने से बहुत जल्दी राहत मिलता है। उसके साथ साथ कैल्केरिया फ्लोर 200, कार्बो एनिमलिस लेक्सिस 200 लेफ्ट साइड ट्यूमर के लिए, बच्चेदानी में भी ट्यूमर हो जाता है उसके लिए भी यही दवा इस्तेमाल होती, कैंसर में भी यही दवा, स्टोनी हार्ट कैंसर पेनफुल स्टेज में लेक्सिस टेनियम, कोनियम टेनियम, थ्यूजा टेनियम, ट्यूबर कुलीनम 1000 या 10000 नंबर, साप्ताहिक बारी बारी से लेने से धीरे धीरे गिल्टी या ग्लैंड या ट्यूमर सब गलने लगता है। इस समय इस औषधि का उपयोग भी मेरुदंड संबंधी रोगों में होता है। यहाँ पर मैं यह नहीं बताऊंगा कि इस औषधि के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय, मगर सभी विकृत वैज्ञानिकों की राय के अनुसार इस औषधि का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें रोगी को पक्षाघात की शिकायत नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती। सोक्रेटिस को इसी प्रकार का पक्षाघात हुआ था, इसलिए इस दवा का प्रयोग उग्र आरोही पक्षाघात में भी होता है। होम्योपैथ चिकित्सक के रूप में मैं इस औषधि के बारे में यह कह सकता हूँ कि इस औषधि के सिर में एक विशेष प्रकार का चक्कर आता है तथा चक्कर की यह शिकायत बगल की ओर सिर घुमाने पर अधिक बढ़ जाती है। बाईं ओर माथा घुमाने पर कोलोसिन 200 देने से भी लाभ होता है। बिस्तर पर लेटे रहने से भी यह तकलीफ बढ़ती है। यही नहीं, बिस्तर पर करवट लेने पर इसमें वृद्धि होती है। मैंने यह पाया कि बिस्तर पर लेटे रहने अथवा खड़े होने पर या बगल की ओर सिर घुमाने पर भी चक्कर आ जाता है। सोने पर चक्कर की शिकायत घट सी जाती। पैरालिसिस उग्र आरोही पक्षाघात से पीड़ित एक रोगी को मैंने इसी औषधि से रोग मुक्त किया था। इस रोगी के पैर प्रभावित थे जो धीरे धीरे कार्य शक्ति से वंचित होते जा रहे थे। रोगी अंधेरे में कतई खड़ा नहीं रह सकता था और राह चलते समय
उसकी पत्नी को या तो उसके आगे पीछे या आगे या पीछे चलना पड़ता था। यदि वह उसके बगल में रहती तो रोगी उसी की ओर देखते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ता था। तो रोगी को नियम से अच्छा हो गया, यह औषधि पहले रोग को बढ़ा देती है और दवा रोकते ही रोगी को बहुत लाभ नज़र आने लगता है। सभी पोटेंसियों में इस औषधि की खुराक देते ही रोगी के लक्षण बढ़ जाते हैं। लक्ष्य पोटेंसी की दवा देने पर होने वाला लाभ कुछ अधिक अस्थायी होता है। मैंने इस रोगी को 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह का अंतर देकर एक एक मात्रा दवा खिलाई। रोगी 1 वर्ष की अवधि में पूरी तरह रोग से मुक्त हो गया। यह व्यक्ति कई वर्षों से उक्त रोग से पीड़ित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम वर्टिगो में यह औषधि वृद्ध व्यक्तियों के सिर में चक्कर की शिकायत उत्पन्न होते पर बहुत कारगर साबित हुई है। सभी आय वाले ऐसे रोगियों में जो भिन्न भिन्न रोगों से पीड़ित रहते हैं, यह लक्षण बहुधा पाया जाता है। डिम्बाशय और गर्भाशय संबंधी विकारों से पीड़ित रोगणियों में तो यह विशेष रूप से मौजूद रहता है। अन्य किसी भी औषधि में यह लक्षण इतना प्रबल नहीं रहता। ग्लैंड कंठमाला रोग के विष से प्रभावित रोगों में इस प्रकार का नेत्र पदार्थ दृष्टिगोचर होता है तथा इसमें अन्य औषधियों की तुलना में कोनियम मैकुलेटम 1000 या 10000 नंबर से विशेष लाभ होता है। इसका प्रयोग और असाधारण लक्षण यह है कि रोगी की को रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, जैसा कि कृत आर्गेनन के 153वें सूत्र में कहा गया है, तथा आँखों में तेज प्रदार आता है। रोगी की पीड़ा रात में बढ़ती है और प्रकाश की किरण छूते ही बहुत बढ़ जाती है। दबाने पर यह तथा अंधेरे घर में रहने पर रोग के लक्षण घटने लगते हैं। रोगी की आँखों की कनिनिका में जख्म रह सकता है तथा आँख की पलक गिर जाने, पक्षाघात की तकलीफ में भी या जलसीमियम 200, कास्टिकम 200 और सीपिया 200 या 1000 या 10000 की तरह ही एक श्रेष्ठ औषधि। रगड़ लगने या कुचल जाने के बाद झुनझुनी चढ़ने या सुई गड़ने की तरह दर्द होने के साथ रोगी को की ग्रंथियां फूल कर कड़ी हो जाती हैं, यह कोनियम का ही लक्षण माना जाता है। स्त्रियों के स्तन की में गांठें पड़ने, उनके बढ़ने या फूलने की बीमारी में भी कोनियम मैक 1000 या 10000 फायदा करती। स्तन रोगों से इस औषधि का विशेष संबंध मालूम पड़ता है। स्तन जराई और पकासे के कैंसर में विशेषकर यदि यह रोग चोट या धक्का लगने से पैदा हुआ हो, यह एक रामबाण औषधि प्रमाणित हुई।